साथ में आपके साथ शेयर करूंगी मोतीचूर की लड्डू की रेसिपी, वो भी बिना बूंदी की। इसके लिए ना कोई बेसन लगेगा, ना कोई बूंदी बनाने का जरूरत होगा। बहुत ही आसानी से बना पाएंगे हलवाई जैसा रसेली मोतीचूर की लड्डू। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा नया नया रेसिपी लेके आती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाधीना और स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लाफ्टर स्वाधीना पे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक कप चना दाल लिया है, इसको 4 से 5 घंटे के लिए पहले भिगो के रखी थी, अभी पानी निकल के रखा है और चना दाल अच्छे से फूल गया। और देखिए, ऐसा करके प्रेस करने के बाद टूट रहा है। तो अभी इसको ग्राइंडर की जार में लेके दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। मैं यहाँ पे पानी नहीं डाला है, अगर आपको ग्राइंड करने के टाइम पानी लगता है तो थोड़ा सा पानी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी यूज मत करें। अभी देखिए पेस्ट रेडी हो गया, तो इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ऐसा करके पूरा पेस्ट अभी रेडी हो गया। अभी इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे घी लिया है, क्योंकि घी से मोतीचूर का लड्डू हलवाई जैसा लगता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अभी घी गर्म हो गया तो मैं चना दाल की पेस्ट ऐसा करके डाल के फ्राई कर लेते हैं। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होगा इतना से फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा। अभी एक साइड फ्राई होने के बाद दूसरा साइड भी फ्राई कर लेंगे। देखिए अभी फ्राई हो गया, इसको अभी घी से उठा के प्लेट में उठा लेते हैं। बाकी सब चना दाल की पेस्ट को सेम प्रोसेस में फ्राई कर लिया है। ठंडा होने के बाद इसको अभी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे, दरदरा सा रखेंगे। देखिए ऐसा ही रखना है। अभी इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अभी चाशनी तैयार कर लेंगे, इसीलिए एक कढ़ाई में लिया है 1 कप चीनी और 1 कप पानी। चना दाल इसी मेजरमेंट की कप में 1 कप लिया था, तो चीनी भी सेम क्वांटिटी में लेना है। तब क्या होगा ना, मिठाई का टेस्ट बराबर आएगा। और चीनी को मेल्ट होने देंगे। अभी गैस का फ्लेम हाई पर ही रखना है। और चाशनी को एक तार तक बनाना है। देखिए अभी तार तार जैसे लग रहा है, तो अभी चाशनी रेडी हो गया। अभी इसमें दे देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और दे देंगे ऑरेंज फूड कलर और चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे लड्डू का टेस्ट और कलर पूरा हलवाई जैसा लगता है। अभी ऐड करेंगे जो चना दाल का चूरमा बना के रखा था वो, और ऐड करेंगे मगज और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मगज मोतीचूर का लड्डू का टेस्ट और भी दुगुना बढ़ा देता है। और अभी गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और ऐसा करके अच्छे से मिक्स करना है। देखिए अभी मिक्स हो गया है। अभी मैं गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और प्लेट में अभी ट्रांसफर कर लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा हिस्सा हाथों में लेके ऐसा करके हल्का हाथों से लड्डू का शेप दे देंगे। सेम प्रोसेस में पूरा लड्डू बना लेंगे। देखिए पूरा लड्डू रेडी हो गया और लास्ट में सिल्वर लिप देके गार्निशिंग कर लिया है। और आपको दुकान में जाने का जरूरत ही नहीं होगी, आप घर में आराम से बना सकते हैं। देख के ऐसे ही लग रहा है ना, दुकान जैसा मोतीचूर का लड्डू, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट, पूरा हलवाई जैसा।
और घर का बना हुआ चीज हेल्दी भी रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये रेसिपी आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं और एक नया रेसिपी लेके। तब तक आपका ख्याल रखिए।